अपने पास आज दो बाइक्स जो कि ट्रैक के लिए, ये है अपनी R15 M और ये है RTR Apache 160। बाप रे बाप। ए चली गई। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। सो अपने पास है आज दो बाइक्स जो कि ट्रैक के लिए, ये है अपनी R15 M और ये है RTR Apache 160 जो कि नेकेड में है। आज इनका टॉर्क मतलब देखेगी भाई, ऑन काई को बजा रहा है। सो इनमें देखते हैं कि ड्रैग रेस में कौन जीतता है। और इसमें सेम टॉर्क है, सेम टॉर्क 40.2 40.2, कोई भी फ़र्क नहीं है। जस्ट इतना ही फ़र्क है कि ये नेकेड है और ये स्पोर्ट पे आती है। ये नेकेड बाइक्स में टॉर्क ज़्यादा होता है, जितना भी कम दिखा होता। फॉर एग्जांपल ड्यूक 390 लो या तो कोई भी नेकेड, उनमें ज़्यादा पावर होती है। सो इनमें 166 होता है और पांच गियर है इसमें, उसमें छह गियर है। एक गियर का फ़र्क है, बट मैं एक पिलियन कैरी करूँगा या नहीं करूँगा उसका अलग है। सो आप पहले ही कमेंट में बता देना कि कौन जीतेगा। सो लेट्स बिगिन। ये भी 2023 का मॉडल है, ये भी 2023 का मॉडल है, सेम मॉडल है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना। 19-20 है, दोनों नई बाइक्स है। सो चलो लेट्स डू इट, देखते हैं कौन जीतता है। और बताना ज़रूर कि आपको पसंद आ रही है वीडियो या नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि कंटेंट थोड़ा यूनिक का ट्राई कर रहा हूँ ना, तो उसमें दिक्कत होती है। सो लेट्स गो, देखते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सो आपको चीटिंग नहीं होना, मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि VVA टेक्नोलॉजी इसके वजह से आगे नहीं कर रही है। एक शॉर्ट राइड भी होगी, वो जो आगे एक स्पीड ब्रेकर आए दोनों दिख रहा है या नहीं, बट वहाँ तक होगी। सो लेट्स, तीन बार हॉर्न प्रेस होगा और स्टार्ट होगी। और ये मैं छपरी के सक के ऑन कर रहा हूँ। सो लेट्स गो, 1 2 3। बाप रे बाप, पहले तो यही टच हुई है, अभी फिर से एक बार देखते हैं उधर से, मतलब अभी लॉन्ग टर्म पे देखते हैं। सो गाइस अभी लॉन्ग रूट होगा, मतलब दूर तक देखते हैं। और आगे से आपको रिजल्ट भी मालूम पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं। मैं एक सेकंड ये बेल्ट लगा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। मैं तीन हॉर्न दूंगा फिर से, वही बाद में अपन राइडर भी चेंज करेंगे। 1 2 3। सो ये बहुत पीछे रह गया था, बहुत ही ज़्यादा मानना पड़ेगा। वो 160 है, मतलब दोनों एक ही है, बट इसमें टॉर्क ज़्यादा है। या तो कुछ तो दिक्कत हुई, आई मीन उसका लॉन्च अच्छे से नहीं हुआ, बट वो तो लगा नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट किया 1 सेकंड। अब राइडर चेंज करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सो अपन ये चले गए, अपन ने इसका टॉप स्पीड भी निकाला था। इसमें एक ट्रॉफी आती है इधर, 1 सेकंड, ये कुछ अलग ही फील दे रहा है चलाने के लिए। सो गाइस ये वही बाइक है जिसमें अपन ने टॉप स्पीड निकाला था, ये 160 का। तो वो आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अभी राइडर चेंज हो चुके हैं, अभी वो R15 M चला रहा है और ये चला रहा है। इसमें दोनों में सिर्फ 55 मतलब इसका काम है CC का, ये 160 है वो 155। तो चलो देखते हैं क्या होता है। चलो 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 इसका घेर, हाँ चलो 2 3। ए, इस बार ये निकल रही है। बाद में क्या पता कि VVA टेक्नोलॉजी के सब वो आगे निकल जाए।
बहुत ज्यादा पीछे है वो, बहुत मतलब मेरे पीछे ही है वो। पूरा थ्रॉटल खींचा हुआ है देखो। ओए तब भी आ रही है ये देखो। ए चली गई, बाप रे बाप, ये निकल जाती है यार 155 सीसी रह के। जैसे ही उसका VVA एक्टिव हुआ, जो फटका लगा है भाई साहब, और बारिश भी आने लगी है। तूफान बोलते हैं यार उसको, तूफान, कितना तगड़ा पावर है उसमें। बट इतना था कि इसका लॉन्च खराब हुआ था, नहीं तो अभी देखो यार सब एकदम मैक्सिमम सेम स्पीड थी, सब कुछ ये किया। अब फिर से वो एक करते हैं, मतलब एक आखिरी बार जाते हुए फिर ख़त्म। गाइस ये राइडर में मतलब ये होना चाहिए, खूबी होनी चाहिए। अब देखो उसके पास थी तब वो आगे नहीं जा रही थी, जब मैं वो चला रहा था तो फटाक से आगे चली गई। ये स्किल्स मैटर करते हैं। सो चलो अभी आगे एक बार और करते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस अभी थर्ड टाइम होगा, देखते हैं कौन जीतता है। एक दो तीन, देखो उससे आगे जाने दिया। ओए गाड़ियां है आगे, हो क्या लेन थी जबरदस्त वाली। इतने ज़्यादा बम्प्स है ना इसमें, बहुत ज़्यादा बम्प्स है। ओ ये स्टॉप ही लग जाती, पीछे का टायर उठ रहा था। देखो इधर खड़े रहते रहते मेरे को कितना सेकंड हो गया, 7-8 सेकंड हो गया, तब जाके आया ये। सो गाइस ये अपने दो बाइक है, ये सब्सक्राइबर्स है। सो आपने देखा यार, मतलब RTR वालों बुरा मत मानो, तुम्हारा राइडर बुरा है, गाड़ी नहीं, गाड़ी एक नंबर है, वो बुरा बंदा है, उसको लॉन्च कंट्रोल नहीं करना आता, तो वरना मेरे हाथ में तो आपने देखा गाइस कि क्या मस्त जा रही थी। सो चलो आज के लिए इतना ही था, आई होप दोनों बीस्ट है अपने अपने सेगमेंट में। और इसे 200 किलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये भाई अनबीटेबल है 200 सीसी के लिए, और इसमें VVA टेक्नोलॉजी है, इसमें 5th गियर है, इसमें 6 गियर है। सो इतना ही है, अगर उसमें एक गियर ज़्यादा होता तो आई थिंक इसको बीट कर पाती, बट यार तो भी 8 सेकंड पीछे ये बाइक, 8 से ज़्यादा ही है, मैंने तो उसका पूरा टॉर्क भी नहीं खींचा था। सो इतना कुछ है, और राइडर्स मैं उसको पहचान भी नहीं रहा था, बट मैंने हाथ किया, उसने भी किया, वी आर ब्रदर्स यू नो, राइडिंग ग्रुप में ऐसे ही होता, ग्रुप मतलब ऐसे राइडिंग मोड में। सो चलो आज की डिबेट इधर ही ख़त्म होती है, दोनों अपने अपने जगह है, और कोई किसी को टीज नहीं करेगा, ना ही कोई रील्स बनाएगा, ना ही कोई कुछ, जो अपने अपने जगह पे है बेस्ट है। सो बाय बाय। एंड एक लुक तो है, एक चीज़ है कि ये दोनों बाइक का लुक बहुत मस्त है, मतलब वो अपाची के इसमें वो लुक बहुत तगड़ा है, R15 के इसमें ये और V3 का लुक है। सो चलो अभी नेक्स्ट राइड का प्लान जो बनेगा वो बनेगा, देखते हैं, और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खाते पीते रहो और मज़े में रहो।